buradaymış. O adam içimize kadar girmiş. Fransa'ya gideceğimizi bile biliyor. Dilan Hanım bir işe çıktı. İstanbul. Nereye kayboldu ki? Hello friends. Welcome back to my channel. With the name of Quantitically episode 228. So friends, Baran ki mansion mein itni high security ke bawajood bhi, Jawahir jo hai ek postman bankar mansion mein aata hai. और फरहान के लिए एक पार्सल देकर जाएगा और इस पार्सल को देखने के बाद फ्रेंड्स फरहान जो है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहता है कि हमारा दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है और हमारे बारे में हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी उसके पास है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि वो हमारे फ्रांस जाने के बारे में भी जानता हो और इसीलिए फ्रेंड्स बारान दिलान से कहता है कि हम फ्रांस नहीं जाएंगे। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स सभी गार्बेज मेंशन की सिक्योरिटी को लेकर और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर डैट फ्रेंड्स रात में बारान को ऐसा फील होता है कि कोई मेंशन में एंटर हो गया है और यही चेक करने के लिए फ्रेंड्स बारान जो है वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स दिलान जब बारान को रूम में नहीं देखते तो वो भी इसके लिए वरीड होते हैं कि बारान इस टाइम कहाँ चला गया। और बारान को देखने के लिए फ्रेंड्स दिलान जब डोर ओपन करेगी तो कोई इसके सामने गन लेकर खड़ा होता है। होप करते हैं फ्रेंड्स कि गन मैन कोई और नहीं बल्कि बारान होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि ये गन मैन कौन है, बारान या फिर जवाहिर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।